हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंघखोरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम साइंस के अंदर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज जेनेटिक्स आनुवंशिकी पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के अंदर हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं, क्या होता है, ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, उन्होंने मेंडलवाद का नियम क्या था और साथ ही साथ उन्होंने मटर के पौधे को अपने इस खोज के लिए क्यों शामिल किया, मटर के पौधे की क्या क्या खासियत थी। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने खोज बहुत पहले कर ली थी पर उस वक्त उस खोज को माना नहीं गया था। कुछ सालों बाद, उनकी मृत्यु के काफ़ी सालों बाद वो वापस खोज मानी गई कि नहीं, वापस उसकी दोबारा खोज हुई। तब बाद में है कि नहीं, ये खोज तो पहले भी हो चुकी है। तब इसे आनुवंशिकता या जेनेटिक्स की जो लॉज हैं उन्हें कहा गया मेंडल के नियम, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। ठीक है, तो ये था। आज हम देखेंगे कि कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने दोबारा इनकी खोज की थी। वो कौन से तीन वैज्ञानिक थे, उन्होंने तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज करी 1900 के अंदर, बल्कि ये खोज हो चुकी थी अराउंड 1863 के अंदर। तो 1863 के बाद में देखिए कितने टाइम बाद उन्होंने वापस ये खोज करी, तब देखा कि नहीं, ये खोज बहुत पहले हो चुकी है। वो तीन वैज्ञानिक कौन थे? वो तीन वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन शेरमाक। सिर्फ आपको इन तीनों के नाम याद रखने हैं कि आपकी मेंडलवाद की दोबारा पुनः खोज किसने करी। इन तीन वैज्ञानिकों के आपको नाम पता होने चाहिए, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन शेरमाक। ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद आज की क्लास में हम देखेंगे कि आपकी जो, मैंने आपको कहा था कि आपको जब आगे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर होने वाले टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो पता होनी चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स हमको पढ़नी है। अगर आपको टर्म्स याद हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं, तो आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में था, वो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, अब इनका मतलब क्या है नहीं समझ आ रहा, इसलिए वो टर्मिनोलॉजी को अपन पढ़ेंगे, उन वर्ड्स की मतलब समझेंगे, देन हम इस चैप्टर के अंदर आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं मेनली बेसिक टर्मिनोलॉजी जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। सारी जो आपकी शब्दावली है वो पूरी पढ़ने वाले हैं, करीबन 20 वर्ड्स हैं जिसके बारे में अपन नॉलेज लेंगे इसके बारे में। लेकिन इससे पहले आपने सिंघखोरी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपकी टर्म्स यूज होती है, देखो पहली बार जेनेटिक्स के अंदर पहला वर्ड हमारा यूज हुआ था जीन। ठीक है, जीन क्या होता है? जो आपके लक्षणों को, जो आपके उनको कंट्रोल करता है, आपके ट्रेट्स को कंट्रोल करता है, वो होता है जीन। जीन के बारे में हम लास्ट क्लास में भी देख चुके थे, मैंने आपको सेल्स के थ्रू आपको जीन बताए थे। तो जीन क्या काम करते हैं आपके, कि आपके जो लक्षण होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो आप इसमें हम बता सकते हैं वे जो लक्षणों को कंट्रोल करते हैं, लक्षणों को कंट्रोल नियंत्रित करते हैं। अब बात ये हुई जेनेटिक्स पूरे जीन्स पे, बट मेंडल ने जीन वर्ड यूज ही नहीं किया। ये वर्ड पहली बार यूज किया था जॉनसन ने। द फर्स्ट टाइम आपका जो जीन वर्ड यूज हुआ था वो वर्ड यूज हुआ था जॉनसन ने। तो ये क्वेश्चन एक शॉर्ट में बन जाता है कि जीन वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था, का प्रथम प्रयोग आनुवंशिकी के अंदर किया था जॉनसन ने। ठीक है, तो फिर मेंडल ने क्या बोला, जो लक्षणों को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने वर्ड यूज किया था हमारा कारक। उन्होंने ये बोला था कि जो कारक लक्षणों को नियंत्रित कर रहे, जीन वर्ड यूज नहीं किया। जीन वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किया है जॉनसन ने। तो जीन समझ में आ गया, जीन की टर्मिनोलॉजी, मतलब इसके अंदर जीन का मतलब क्या है आनुवंशिकी के अंदर, जो आपके ट्रेट्स को कंट्रोल करे, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करे, वो हमारे जीन कहलाते हैं। इसके बारे में आप लिखेंगे कि जॉनसन ने इसे फर्स्ट टाइम यूज किया था और मेंडल ने इसकी जगह एक कारक वर्ड यूज किया था, फैक्टर वर्ड, कारक फैक्टर वर्ड यूज किया था। ठीक है, सेकंड इज युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी देखिए, आपका कोई भी ट्रेट है, कोई भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसके दो ऑप्शंस हो सकते हैं ना। यहाँ से हो सकता है वो लंबा हो, जैसे आपको हाइट को देखिए मैंने बताया था। मान लीजिए कोई प्लांट है, जैसे मेंडल ने क्या किया था, आपके उसके मटर के पौधे पर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो मटर के पौधे में भी आपको लंबाई को लेके देखें तो हो सकता है एक प्लांट लंबा हो, एक प्लांट छोटा हो। ठीक है, उसमें हर ट्रेड के आपको दो चीज़ें बताई थी, जैसे कि आपके सीड का आकार था, आपकी जो बीज का आकार था, हो सकता है वो गोल हो सकता है थोड़ा रिंकल्ड हो। इस तरीके से दो आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। तो जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रेड, अल्टरनेटिव फॉर्म्स, या फिर आप ऐसे कह सकते हो विपर्यासी, हिंदी के अंदर विपर्यासी। गुड, ठीक है, किसी ट्रेट के जो विपर्यासी दो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे ना, वो कहलाएंगे आपके समयुग्मजी या फिर अलग। ठीक है। अब एक तरीके से जैसे क्या होता है कि आपने उसकी लंबाई को लेके ले रहे हैं, लंबाई इन टॉल, तो आप क्या करेंगे, अगर ज़्यादा लंबा है तो अपन से कहेंगे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर छोटा है तो उसे हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से इसके दो हो गए, दो ट्रेड्स हो गए, दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो गई, और दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, एक को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ गया जीन किसे कहते हैं और युग्म विकल्पी किसे कहते हैं। इन दोनों टर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि युग्म विकल्पी मतलब आपके पास एक पेयर होगा, युग्म यानी पेयर और विकल्पी यानी आपका एक ऑप्शन हो, आपके पेयर होगा तो उसमें आपके दो ऑप्शन होंगे, या फिर हो सकता है कोई काला हो सकता है गोरा हो सकता है वो लंबा हो सकता है वो बौना हो। अब एक मान के चलो कि अगर हम लंबे को कैपिटल टी से दिखा रहे हैं तो बौने को हम स्मॉल टी से दिखा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम इसके नेक्स्ट टर्म देखते हैं, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, ठीक है। तो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी आपको वो दोनों टर्म्स समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। अब समयुग्मजी विषमयुग्मजी मैंने आपको दोबारा जो चीज बताई थी कि हो सकता है आपका जो प्लांट है दो चीज बताई, ठीक है, टी और स्मॉल टी। यहाँ पे हो सकता है कोई पेरेंट है, देखो अब पेरेंट कोई भी आपकी जो ऑफस्प्रिंग होगी, जो संतति होगी, उसमें दो पेरेंट्स होंगे, ठीक है, वो युग्म में होंगे दोनों पेरेंट्स। उन पेरेंट्स का क्या हुआ, हो सकता है टी टी हो, टी स्मॉल टी हो, स्मॉल टी स्मॉल टी हो, या फिर स्मॉल टी कैपिटल टी हो। इस तरीके के ऑप्शंस आपके पास बन सकते हैं। समयुग्मजी के अंदर क्या होगा, जो आपके जो होंगे दोनों पेरेंट होंगे वो दोनों सेम हो, दोनों सेम, जो आपका युग्म है वो जो दो आपकी जनक जाएंगे वो दोनों का अगर सेम हो मतलब आपकी टी और टी हो, ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये समयुग्मजी। और विषमयुग्मजी मतलब आपका वो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी आपके दो डिफरेंट आपके पेयर जो आपके जनक जाएंगे, जो आपके जो पेरेंट होंगे वो अलग अलग हो। विषमयुग्मजी यानी एक जो आपका पेयर बन रहा है उसके अंदर दोनों जो होंगे वो अलग अलग हों, हेट्रोजीनियस हो। इसे हेट्रोजीनियस बोलते हैं, उसे होमोजीनियस बोलते हैं। तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस आपको समझ में आ गया होगा। होमोजीनियस यानी मेरा सेम, यानी जो आपके दोनों पेरेंट अगर सेम होते यानी दोनों लंबे लंबे होते तो आपकी जो ऑफस्प्रिंग आएगी वो जो भी बनेगी, लेकिन आपकी दोनों के जो पेरेंट है वो जो दोनों सेम होने चाहिए, यानी एक जनक है वो सेम होने चाहिए, जो दोनों जनक हैं, जो आपकी ऑब्वियसली जनक आपके पेयर में होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके सेम नहीं होंगे। समझ में आ गया। समयुग्मजी विषमयुग्मजी क्या होता है इसको लेके कोई डाउट नहीं है। पहले आपने पढ़ा जीन, आपने फर्स्ट पहले पढ़ा था जीन, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी में मैंने आपको बताया था कि दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा समयुग्मजी विषमयुग्मजी, इसके अंदर मैंने आपको बताया जो आपकी दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो दोनों एज अ पेयर आप वो पेरेंट ले रहे हैं, अगर वो दोनों सेम होती हैं तो आपका समयुग्मजी हो जाएगा, होमोजियस हो जाएगा। और विषमयुग्मजी आपके वो दोनों फॉर्म सेम नहीं होती, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के अंदर आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर है फिर आपका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। अब देखो लंबाई को दिखाने के लिए ये चीज है, दो लंबे हैं और एक छोटा है। लक्षण प्रारूप यानी आप उसे सिर्फ देख के बता सकते हो कि वो छोटा है कि वो लंबा है। मैं कह रही हूँ इसका जो फॉर्मूला होगा, जो उसका होगा वो टी टी होगा, ये टी स्मॉल टी होगा और ये स्मॉल टी होगा, ठीक है। लेकिन अभी आप इन्हें छोड़ दो, इनके जीन्स के बारे में अभी बात नहीं करते, सिर्फ इनको देख के बता सकते हैं हम कि ये दोनों लंबे हैं और ये छोटा है। तो हाँ, अगर हम जो चीजें देख के बता दें, जो लक्षणों को हम देख के बता दें वो हो जाएंगे लक्षण प्रारूप। जो लक्षण देखने से प्रतीत हो, वो हो जाएंगे आपके लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप क्या हुआ, अब देखो दोनों लंबे हैं बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, देखो उनकी जीन्स अलग अलग है, यहाँ कैपिटल टी है और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी वो लक्षण जिनके जीनों की आपको आवश्यकता हो, जीनों को देखने की आवश्यकता हो, जीन्स के ऊपर आप उनको डिफाइन कर सकते हो, वो हो जाएंगे आपके जीन प्रारूप। समझ में आ गया, यहाँ जीन्स का है सब कुछ, यहाँ आप आपको देखने से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, यहाँ आपको जीन्स पता होनी चाहिए, उसको उसके ट्रेड्स को पता करने के लिए, उन लक्षणों को पता होने करने के लिए आपको जीन्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको ये जीन्स हो गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका प्रभावी लक्षण। और प्रभावी लक्षण आपको पता है, प्रभावी और प्रभावी हमने लास्ट पढ़ा था। प्रभावी लक्षण और प्रभावी लक्षण क्या होता है, देखिए दो पेरेंट है, ठीक है, हो सकता है कि एक पेरेंट के लक्षण आगे जाके ट्रांसफर हो रहे हैं, आपके कुछ जो जनक है, आपकी जो पहली वाली पीढ़ी है उसके कुछ लक्षण आगे वाली पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो हो जाएंगे प्रभावी लक्षण। मतलब अगर आपकी जनक पीढ़ी से जो लक्षण आगे वाली पीढ़ी में प्रभावित हो ट्रांसमिट होते हैं, जो लक्षण आगे वाली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। उसे कहते हैं आपका प्रभावी लक्षण। तो प्रभावी समझ में आ गया, तो अप्रभावी भी समझ में आ गया होगा। अप्रभावी लक्षण में क्या होंगे? जो लक्षण आपके आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ पेरेंट्स में थी कुछ, मतलब कोई प्रॉपर्टी है, कोई स्पेशल ट्रेट है, लेकिन वो हमें नहीं आया, तो वो हो जाएंगे आपके अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो वे लक्षण जो संतति पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित नहीं होते। समझ में आ गया। प्रभावी और प्रभावी लक्षण का मतलब क्या है? अब हमने मटर के पौधे के अंदर पढ़ा था, मटर के पौधे के अंदर क्या था? जो स्पेशली प्रभावी लक्षण था, जो जनरली ट्रांसफर होते थे, वो कौन कौन से गुण थे वो अलग आपको बताए थे। वो जो ट्रांसफर नहीं होते थे, आगे जाके ट्रांसफर नहीं हो रहे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी। तो आई थिंक प्रभावी और प्रभावी लक्षण जो हमने मटर के पौधे के अंदर देखे थे वो समझ में आ गए होंगे। तो ये प्रभावी और प्रभावी लक्षण क्या होते हैं समझ में आ चुका है। ये देखो अभी अपन ने अभी तक क्या देखा कि इन तीन स्लाइड, इन तीन के अंदर कि हम मैंने आपको कंपेयर करके बताई चीज। जैसे आपको पहले बताया जीन और युग्म विकल्पी के बारे में, जो आपको उसमें सिंपल था। फिर मैंने आपको बताया कि आपने समयुग्म और विषमयुग्म कंपेयर करके बताया। कंपेयर करके देखो इसके अंदर एकदम अपोजिट है, ठीक है। फिर बाद में इसके बाद नेक्स्ट था हमारा जी लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप के अंदर जो आपको देखने से जो लक्षण समझ में आते हैं, और जीन्स के लिए आपको इनकी जीन्स की रिक्वायरमेंट है, उनको समझने के लिए, उन लक्षणों को समझने के लिए आपको जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जीन की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, वो हो जाएंगे आपकी जीन प्रारूप। तो एक बार ये याद हो गया तो नाम से समझ में आना चाहिए कि दूसरा में क्या होने वाली डेफिनेशन है, क्योंकि एक्चुअली इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, अगर आप एक एक करके याद करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। ऐसे कुछ तरीके ऐसे बनाइए जैसे आपको एक याद हो गया तो दूसरी को याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इस तरीके से प्रभावी और प्रभावी के अंदर भी हमने वही किया। प्रभावी के अंदर जो लक्षण आगे जाके ट्रांसफर हो रहे हैं वो हो जाएंगे आपके प्रभावी, और जो आगे जाके ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं वो हो जाएंगे आपके अप्रभावी लक्षण। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण एंड परिरक्षण संकरण, ठीक है। ये सारे कुछ एक एक जैसे ही हैं, इसलिए मैंने एक साथ लिए हैं। एक संकर संकरण में क्या होगा कि आपने जब आपका संकरण हो रहा है, जब आपका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो उसमें आप एक ही लक्षण की प्रॉपर्टी जो उसकी स्टडी कर रहे हो, आप एक ही लक्षण की कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका एक ही ट्रेट होगा, एक ही ट्रेट की आप स्टडी कर रहे हैं एक टाइम पे, तो हो जाएगा एक संकर संकरण। लेकिन आप एक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप दो ट्रेट्स की स्टडी कर रहे हैं, यानी स्टडी ऑफ टू ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टडी ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक्स इन वन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, त्रिसंकर संकरण में समझ में आ रहा है तीन ट्रेट्स होंगे, यानी आप तीन गुणों की एक साथ उसकी स्टडी कर रहे हैं, तीन गुणों पे एक साथ आपकी रिसर्च चल रही है एक ही बार में, एक ही संकरण के अंदर, तो आपको हो जाएगा त्रिसंकर। और तीन से भी ज्यादा गुण की बाद में आप स्टडी कर रहे हो तो हो जाएंगे बहुसंकर संकरण, यानी मोर देन 3, ठीक है। अब परिरक्षण संकरण में क्या होता है? परिरक्षण संकरण में क्या होता है, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई है, नेक्स्ट जनरेशन आपकी मैं मान रही हूँ कोई भी एक जनरेशन, आपकी जो संतति जनरेशन है उसे मैं मान के चल रही हूँ अभी F1, ठीक है। एक पेरेंट जनरेशन होगी, पेरेंट जनरेशन आपकी मम्मी पापा हैं, आपकी मम्मी पापा के बाद जो आप आए वो हो जाएगी F1 पीढ़ी, और जो आपके बाद वाली जनरेशन आएगी, आपकी वाले बाद वाली जनरेशन हो जाएगी आपकी F2 पीढ़ी, ठीक है। तो पहली जो जनरेशन होगी वो F1 पीढ़ी है, उसका मैं हाइब्रिडाइजेशन करवा रही हूँ उस वाली जनक से जिसके लक्षण आपको नहीं आए हैं, जो अप्रभावी लक्षण हुए हैं, जो जिस जनक के, जिस पेरेंट के लक्षण आप में आगे जाके ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, जो अप्रभावी रह रहे हैं, उस वाले जनक से। पेरेंट अप्रभावी लक्षण वाला, ठीक है, समझ में आ गया। F1 का हाइब्रिडाइजेशन किससे करवाया जा रहा है, जैसे कोई दो पौधे थे, ठीक है, उनका हमने कुछ हाइब्रिडाइजेशन करवाया, उनका संकरण करवाया। अब क्या हुआ, जो आया नया पौधा बना उसके अंदर दूसरे वाले पौधे की प्रॉपर्टीज नहीं आ पाई, तो क्या किया, जो उसका संकरण फिर किससे करवाएंगे, जो नई वाला पौधा बना उसका संकरण वापस उस पौधे से करवाया जाएगा जिसकी उसमें प्रॉपर्टी नहीं आई है, उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो एक बार ये अच्छे से देख लीजिएगा, टेस्ट क्रॉस में लोगों को प्रॉब्लम आती है, उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बाद में आपको ये चारों एक जैसे ही है कुछ, तो इन चारों को एक साथ अगर एक समझ में आ गया, एक समझ में आ चुका है कि एक संकरण के अंदर अगर आपका एक ही गुण, एक ही लक्षण की स्टडी की जा रही है तो एक संकरण, अगर दो लक्षणों की स्टडी की जा रही है, दो ट्रेट्स की स्टडी, दो कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करी जा रही है तो द्विसंकर संकरण, तीसरे की तीन और बहुसंकर में यानी मोर देन थ्री, तीन से ज्यादा गुणों की आपकी स्टडी कर रहे हो तो। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार इसे जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, परिरक्षण संकरण क्या होता है, इसे एक बार नोट कर लो, इसे एक बार देख लो अच्छे से। फिर अपन आगे कुछ और टर्मिनोलॉजी है, करीबन 20 टर्मिनोलॉजी है, 13 हो चुकी है, अभी 7 टर्मिनोलॉजी और पढ़नी है, वो आगे देखते हैं अपन। पहले एक बार से पहले ये चीज जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये सारा नोट कर लिया, देख लिया, अच्छे समझ में आ गया। अब इसके आगे आगे और बढ़ते हैं। यह है आपका संकर पूर्व संकरण, या ऐसे कह सकते हैं आप फर्स्ट संकरण। अब इससे देखो वर्ड समझ में आ रहा होगा, यानी आप पीछे बैक, यानी आपकी जो नई जनरेशन आ रही है, जो F1 पीढ़ी आ रही है, उसका जो संकरण होगा, जो उसका क्रॉस बनेगा, वो क्रॉस किससे बनेगा, किसी भी एक पेरेंट से। देखो लास्ट वाले उस वाले में कंफ्यूज मत होना, लास्ट वाले के अंदर था कि जो आपका क्रॉस बन रहा था, जो संकरण हो रहा था, वो किससे हो रहा था, जिसमें अप्रभावी लक्षण थे, जिसके लक्षण आगे जाके ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, वो उसके अंदर था, परिरक्षण के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो F1 पीढ़ी का जो संकरण होगा, F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी एक जनक संकरण, किसी भी एक जनक से, ठीक है, तो आपका होगा पश्च संकरण, यानी बैक क्रॉस, यानी आप पीछे जाके वापस वो क्रॉस हो रहा है, इसलिए इसे कह देंगे इसका बैक क्रॉस। व्युत्क्रम संकरण, अब व्युत्क्रम संकरण के अंदर मान लीजिए एक प्लांट है, प्लांट के अंदर एक मेल प्लांट होगा, एक फीमेल प्लांट होगा, राइट। फीमेल प्लांट के अंदर अगर आप जैसे किसी को मान के चल रहे हैं ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, लेकिन दोबारा उसको संकरण करवाया जाए तो हम मेल को फीमेल कंसीडर करके करेंगे और फीमेल को मेल कंसीडर करके करेंगे। यानी यहाँ आपका दो एक संकरण के अंदर क्या होगा, जैसे एक के संकरण के अंदर आपने माना टी को मेल माना है और स्मॉल टी को आपने फीमेल माना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइम जब उसका संकरण होगा, नेक्स्ट टाइम जब उसका क्रॉस होगा तो टी हो जाएगा आपका फीमेल और स्मॉल टी हो जाएगा आपका मेल, यानी वो रेसिप्रोकेट हो गए, व्युत्क्रम हो गया, उल्टा हो गया, इसीलिए इसे कहा जाता है व्युत्क्रम संकरण। ठीक है, नेक्स्ट जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी मैंने आपको बताया जिसकी फर्स्ट टाइम जब आपका जब क्रॉस होगा, फर्स्ट टाइम जब क्रॉस करने के लिए जो दो प्लांट्स लिए गए थे, मेंडल ने फर्स्ट टाइम जब आपका क्रॉस करवाया होगा, जो फर्स्ट दो प्लांट्स लिए गए होंगे, जिनकी आगे गुण आगे जाके ट्रांसफर होंगे, वो गुण वही हो जाते हैं आपका जब आपको फर्स्ट टाइम जो आपकी होते हैं, उन्हें कहा जाता है आपके पेरेंट जनरेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, अभी मैंने आपको F1 पीढ़ी बताई थी कि मैं मानती हूँ कि जबकि फर्स्ट संतति होगी, जो फर्स्ट आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसे हम कहेंगे F1। तो जब आपकी जब पेरेंट जनरेशन का जब क्रॉस होगा तो क्रॉस होने का जब नई जनरेशन जो फॉर्म होगी उसे कहेंगे F1। फिर उसके बाद वापस जो नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होगी दैट इज F2। तो F1 F2 इजी है, आराम से समझ में आ गया। पेरेंट F1 और F2 टर्म्स तो बहुत ज्यादा यूज होंगी, इन टर्म्स का मतलब समझ लो जो फर्स्ट टाइम क्रॉस हो रहा है, फर्स्ट टाइम जो संकरण हो रहा है, उस टाइम जो दो पादप लिए, दो प्लांट्स लिए आपने, तो जो फर्स्ट टाइम के जो प्लांट्स होंगे उन्हें कहेंगे पेरेंट। उसके बाद जो नया प्लांट फॉर्म हो रहा है वो होगी F1 पीढ़ी और फिर उसके संकरण के बाद जो नया प्लांट फॉर्म हो रहा है उसे कहेंगे अपन F2 पीढ़ी। ठीक है, F2 जनरेशन। तो समझ में आ गए ये सारे, ये दोनों ध्यान से देख लेना, व्युत्क्रम संकरण और संकर पूर्व संकरण अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसे पाश्च संकरण भी कहा जाता है, बैक क्रॉस भी कहा जाता है। बैक क्रॉस क्यों कहते हैं, बिकॉज वो पीछे जाके अपने पेरेंट्स से जाके क्रॉस करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है एक संकर अनुपात और द्विसंकर अनुपात। एक संकर अनुपात के अंदर क्या होगा, आपने एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण पढ़ा था। एक संकर संकरण में क्या था कि आपका एक लक्षण उस पर स्टडी की जाए, द्विसंकर के अंदर आपके दो लक्षणों पे, दो ट्रेट्स पे स्टडी की जाए एक ही संकरण के अंदर। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा एक संकर अनुपात में कि द रेशियो इन एक संकर संकरण। अब रेशियो कैसे लेते हैं अपन देखेंगे, पर आप देख लो कि एक संकर संकरण के अंदर जो अनुपात लिया जाएगा, जो उसका अनुपात होगा, रेशियो अनुपात होगा, उसे कहते हैं एक संकर संकरण अनुपात। द्विसंकर के अंदर क्या होगा, द्विसंकर संकरण के अंदर जो लक्षणों का अनुपात लिया जाएगा उसे कहा जाएगा, आप किसके अंदर किया जाएगा, द्विसंकर संकरण हो जाएगा, द्विसंकर संकरण। इसके अंदर जो भी गुण होंगे उनका जो अनुपात लिया जाएगा उसे कह देंगे द्विसंकर संकरण अनुपात। ठीक है, अगर द्विसंकर संकरण, एक संकर संकरण, त्रिसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण, ये टर्म समझ में आ गई तो अनुपात में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट, जिसमें कन्फ्यूजन होता है आपको कि ये टर्म्स में कन्फ्यूजन हो जाता है, इन टर्म्स को अच्छे से देख लीजिएगा। ये थी बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको जेनेटिक्स से रिलेटेड। आपको जेनेटिक्स में आगे जाके आप जब मेंडल के लॉ पढ़ेंगे उससे पढ़ने से पहले आपको सारे नियम पता हो, ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए, सारी शब्दावली आपको पता होनी चाहिए। इनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं तो उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे मेंडल के नियम, जो मेंडल ने अपन को 3 नियम दिए, उन 3 नियम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से टर्म समझ में आ गई होंगी, शब्दावलियाँ याद हो गई होंगी। अगर समझ में आ चुकी है तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसे जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको सारा कंटेंट, सारे नोट्स वहाँ आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।